लॉकडाऊन असं म्हणलं होतं. आज सगळ्या एरियात आम्ही औरंगाबादमध्ये फिरलो. आम्ही कॅनटला गेलो होतो, सिडकोमध्ये जाऊन आलो, आज रोशन गेटला आलो इथं आपण. पण इथं जे दिसला की तरुण मुलं रस्त्यावरून बसतात बिनामास्कचे, तर माझी आपल्या माध्यमातून माझी सबसे रिक्वेस्ट आहे की जब भी बाहर निकले तो मास्क के साथ निकले. तो खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है, तो इसका पालन करें. मी पुन्हा सांगतो की आपण जे लॉकडाऊन सुरू केला, हॉटेल्स बंद आहेत, दुकान बंद आहेत, परंतु आपण इथे नागरिकांची कुठेही गैरसोय होऊ देत नाही. हम किसी नागरिक को कोई भी गैरसुविधा नहीं होने दे रहे. दूध की दुकान शुरू है, किराना शॉप शुरू है, मेडिकल शॉप शुरू है, इसलिए. और हम जब करने जा रहे हैं कि दो तीन दिन से औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे थे, कल तो 900 से ज़्यादा हो रहे थे, आज लगभग 600 से ज़्यादा है. हम सभी मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे. अभी पुलिस जितनी भी रस्ते में खुद पुलिस कमिश्नर साहब घूम रहे, लेकिन जब तक हर एक नागरिक नहीं बोलेगा कि मैं मेरे से शुरुआत करूँगा, मैं मास्क पहनूंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूँगा, मैं मेरा बर्ताव ऐसा रखूँगा कि मैं कोरोना को रोक सकूँ, तो बिल्कुल तभी प्रशासन के प्रयत्न अच्छे हो सकते हैं. मैं सभी प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक मीडिया का भी आभारी हूँ. आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छी चेतना समाज में जागी है, लेकिन इसको हमको कायम रखना है. ये अच्छा हो जाएगा, जैसे ही सुधार अच्छे हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें हमने बंद की है उसमें भी हम रीथिंकिंग करेंगे, फिर विचार करेंगे. आम्ही त्याचा पुन्हा विचार करू आणि पुन्हा आयुष्याची गाडी मूळ पदाला आपण आणू. सर एक सवाल है, सर पोलीस कमिश्नर और कलेक्टर साहब से घरों घर जाके लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्या आंकड़े देखकर ऐसा लग रहा है सर कि आगे और गंभीर जो है तो पेशेंट आ सकते हैं सर, आम सामने आंकड़े आ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि आंकड़े आ सकते हैं या नहीं, ये हमारे शहर के नागरिकों पर डिपेंडेंट है. लॉकडाउन जब से लगा है, बाय एंड लार्ज शहर के नागरिकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है. आज सैटरडे को फुल लॉकडाउन था और ये खुशी की बात है कि 95% तक लोग जो हैं वो मास्क पहनते नज़र आ रहे हैं, दुकानों हैं सब बंद हैं, और कुछ जगह बच्चे हैं जो शायद थोड़ी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ी चेतना जगाने की आवश्यकता है, उनको इसका सीरियसनेस समझाने की आवश्यकता है. बट ओवरऑल हम लोग काफ़ी खुश हैं, समाधानकारक हम महसूस कर रहे हैं कि नागरिकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और अगर इसी तरह का अच्छा रिस्पांस बढ़ा तो निश्चित केसेस की संख्या कम होगी, ऐसा हम सबका विश्वास है. सर एक सवाल ये है कि धार्मिक स्थल को लेकर लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजिंग है, नमाज के लिए मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ज़रा समझ लीजिए. धार्मिक स्थल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन आस्था का जो विषय है वो अकेले लोग जा सकते हैं, मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ी जा सकती है, या तुम्हारे क्रिश्चियन भाई हों या सिख भाई हों, वो अपने अपने धर्म के अनुसार जाकर प्रार्थना जरूर बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि भीड़ नहीं करनी है, और सबने मास्क पहनना है, और जहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं कुछ लोग मान लीजिए तो डिस्टेंस रखना है. अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी. बस कोई बड़े प्रोग्राम ना करें, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजकीय हो, बड़े प्रोग्राम कहीं नहीं करनी है. इंडिविजुअल आस्था का सवाल है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं. सर मास्क को लेकर पॉलिसी कार्रवाई तेज कर दी गई आज से? हाँ, अभी कॉरपोरेशन के काफ़ी सारे स्क्वाड मास्क के लिए कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो थोड़ी कम पड़ रही है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने वो डेलीगेशन ऑफ पावर पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिया है. तो कल सुबह से सभी 17 पुलिस स्टेशन में एक एक दो दो स्क्वाड बनाए गए हर थाने में, और वो लोग भी मास्क की कार्रवाई कर रहे हैं. हमारा मकसद किसी को दंड देना या उनसे फाइन वसूल करना ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब लोग अगर कोई बात नहीं सुन रहे हैं बार बार बताने के बाद भी, तो मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ रही है. लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में हम लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, और नागरिकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. स्पेशली आज सैटरडे को जो फुल लॉकडाउन है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शहरवासियों से ये कहना चाह रहे हैं, इसी तरह स्पिरिट अपना कायम रखें. आसपास अगर कोई बिना मास्क का दिखता है उसको मास्क पहनने के लिए कहिए, और बहुत जल्दी हम लोग इससे बाहर निकल आएंगे. सर उदय.